मुरादाबाद के थाना कुंदरकी के क्षेत्र गांव जैतपुर पट्टी में हुई ड्राइवर मुश्ताक की हत्या का एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, सीओ डॉक्टर गणेश चंद्र गुप्ता, एसओ कुंदरकी पवन कुमार व पुलिस टीम ने डिपार्टमेंट के लिए पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम करते हुए हत्या के असली गुनाहगारों को गिरफ्तार किया है। बल्कि हत्या के इस मामले में नामजद हुई रिपोर्ट में निर्दोष लोगों के जेल जाने से पहले ही हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतक मुश्ताक के बेटे निजामुद्दीन और मृतक की बीवी शकीला, इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसकी रात में छुरे से गला काटकर हत्या कर दी थी और सभी सबूतों को ठिकाने लगाने के बाद शोर मचाया था। शबाना और उसके भाइयों ने पिता की हत्या कर डाली है और घर में रखा सोना नकदी भी लूट कर ले गए हैं। एसपी ग्रामीण ने हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि जो बयान मृतक के बेटे व आरोपी निजामुद्दीन द्वारा भाभी शबाना और उसके भाइयों के खिलाफ दिए गए थे, उसकी जब जाँच की गयी तो उन सभी को उस रात अपने ही घर में होना पाया गया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वाड की टीम को भी घर से बाहर कुछ भी नहीं मिला। रात में किसी भारी व्यक्ति के घर में घुसे जाने का सवाल ही नहीं था। इन सब बातों के मद्देनजर जब निजामुद्दीन से सख्ती दिखाते हुए पूछताछ की तो उसने सच पुलिस को बताते हुए कहा कि उसने और मां शकीला ने पिता मुश्ताक की हत्या की साजिश रचने के बाद उनकी गला काटकर हत्या कर डाली थी और इल्जाम भाभी शबाना और उसके भाइयों पर लगाते हुए खुद नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्या के पूरे मामले में मुरादाबाद पुलिस बधाई की पात्र है, जो निर्दोष लोगों के जेल जाने से पहले ही असली कातिलों को मैं आला कत्ल के गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, सीओ कुंदरकी डॉक्टर गणेश चंद्र गुप्ता के साथ एसओ कुंदरकी पवन कुमार को पुलिस कंट्रोल रूम में ही क्राइम रिपोर्टर की टीम ने इस मर्डर केस के अच्छे खुलासे पर उन्हें बधाई भी दी है। बताया जाता है कि एसएसपी हेमंत कुटियाल भी इस मर्डर केस की पल पल की रिपोर्ट अधिकारियों से हासिल कर रहे थे और लगातार टीम में शामिल सभी अधिकारियों का एसएसपी से हत्या में कार्यवाही को लेकर संपर्क बना हुआ था। एसएसपी के ही निर्देशन में कोई बेगुनाह पहली बार हत्या के इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी बाइज्जत बरी हुआ है। ये थी हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान की एक खास रिपोर्ट। 13 सितंबर 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग एक पुलिस को थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की, उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, सब का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निजामुद्दीन था, और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निजामुद्दीन की वाइफ है उनसे पूछताछ की। तो सबके बयानों में विसंगता पाई जा रही थी, सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ क्योंकि ये बता रही थी कि हम सब यहीं थे, कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निजामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना उसके पिता उसके भाई के खिलाफ कि ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के लिए थाने में बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक एक घर वालों पर ही गया क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था वहाँ पे जो बाईपास है कुंदरकी बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने पुलिस की माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निजामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक दिन से दो निशाने हो जाए, कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निजामुद्दीन, उसकी माँ और